नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए इंडिपेंडेंस डे के दिन आप अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं रास्ते पर सड़क पर जा रहे हैं। अचानक से आपको सड़क के साइड में एक भिखारी बैठा हुआ दिखता है। देखकर लगता है कि ये काफी इलिटरेट है, गरीब है, बेघर है और भूखा है। तभी आप अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे करते हैं और उसे देखकर कहते हैं, आजादी मुबारक हो, आजादी के 75 साल पूरे हो गए। ये सुनकर वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, कौन सी आजादी भाई? आप कहते हो, ऑब्वियसली ब्रिटिश राज से आजादी, 75 साल हो गए जब से ब्रिटिश राज गया है, देश आजाद है। उसका जवाब आता है, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या मतलब इन चीजों से। आप उसे समझाते हो कि ब्रिटिश राज एक बहुत ही अनजस्ट और अनफेयर रूल था। इंडियंस को बड़े ही घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता था, भारी टैक्स लगाया जाता था। ये अंग्रेज सारी इंडियन वेल्थ लूट कर अपने देश में ले जाते थे और बहुत से इंडियंस को बुरी हालातों में जीना पड़ता था। लेकिन अब इंडियन रूल आ चुका है, खुशी मनाओ इस चीज की। वो कहेगा, भाई मेरी हालत तो वैसी की वैसी है, ना मेरे पास कोई खाना है, ना कपड़े हैं, ना घर है, ना कोई नौकरी है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ऊपर गद्दी पर सत्ता में कोई इंडियन बैठे या ब्रिटिश बैठे, मैं तो तब भी भीख मांगता और अब भी भीख मांगता हूँ। दोस्तों, ऐसी डिबेट्स अक्सर सुनने को मिलती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो शब्द हैं, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और लिबर्टी, असलियत में क्या मतलब है इन शब्दों का। इन दो शब्दों को ही ले लीजिए, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम यानी आजादी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क बहुत है इन दो शब्दों के बीच। क्योंकि भगत सिंह और गांधी जी की माने तो आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र जरूर है, लेकिन आजादी के लिए अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. To the average Indian, his rulers mean little. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रागी की शपथ न पूरी। तो गरीबी से, तो भुखमरी से। I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947 हमारे देश को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिलता है। इसके करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेता है और ऑफिशियली इंडिया एक रिपब्लिक बन जाता है। फिर अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच में पहली इंडियन जनरल इलेक्शंस होती हैं और इंडिया को अपनी पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार मिलती है। तो देश एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डेमोक्रेसी बन गया। सुनकर लगेगा कि ये क्लाइमैक्स है टोटल इंडिपेंडेंस का, आजादी का। लेकिन यहां बात आती है भगत सिंह की। भगत सिंह ने अपने 1931 के पैम्फलेट में लिखा था, हमारी राय में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सत्ता को ब्रिटिश के हाथों से लो और इंडियंस के हाथों में दे दो, ऐसा नहीं है। हमारा फाइनल पर्पस है यहां पर जनता के बीच में इकोनॉमिक लिबर्टी अचीव करना। सही सुना आपने, भगत सिंह अगर जिंदा रहते 1952 के बाद तक तो उनकी लड़ाई वहां खत्म नहीं होती। उनका असली मकसद था इकोनॉमिक लिबर्टी अचीव करना। और इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए भिखारी के एग्जाम्पल पर फिर से आते हैं। आप उस भिखारी की ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि भाई तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता अपने लिए, कुछ काम ढूंढ अपने लिए, पैसे कमा, सब सही हो जाएगा। जवाब में वो आपको कहता है कि मैंने सरकारी नौकरी में अप्लाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन नौकरियों की सख्त कमी है। और ये चीज हम डेटा में भी देख सकते हैं। करीब 20 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया था कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, लेकिन सिर्फ 7.22 लाख जॉब्स दी गई थी। लेकिन ये सुनकर आप कहोगे, सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भागना है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ लो कोई। वो भिखारी आपसे कहेगा, साहब मेरी नौकरी लगवा दो, मैं कर लूंगा, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे किसी ने हायर नहीं किया, कोई नौकरी नहीं मिली। फिर आप कहोगे कि भाई अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर लेना, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक तरीके की इंप्लॉयमेंट है, और अगर वो नहीं करना तो खुद से कोई स्किल सीख ले, जब स्किल्ड बनेगा तब अपने आप नौकरी मिल जाएगी कोई ना कोई। ऐसे केस में उसका जवाब आएगा, सर किसी स्किल कोर्स में एडमिशन दिलवा दो ना, फिर एडमिशन लेने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास यहाँ पर खाने तक के पैसे नहीं है, कहाँ से मैं किसी कोर्स में एडमिशन लूंगा या स्किल सीखूंगा। और जहां तक रही बात खुद का कोई पकोड़े का स्टॉल खड़ा करने की, तो आप मुझे बस 10,000 रुपए दे दो। खुद का धंधा शुरू करने के लिए भी कुछ स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, तो मैं स्टॉल खरीद लूंगा खुद का, बस मुझे 10,000 रुपए लेंड कर दो, मैं वापस कर दूंगा बाद में जब मेरा धंधा ठीक से काम करने लग जाएगा। लेकिन आप खुद से सोचोगे कि मैं बस लेक्चर दे सकता हूं, पैसे नहीं दे सकता। पॉइंट यहां पर यह है कि रियलिस्टिकली सोचो दोस्तों, ऑप्शंस क्या बचे उस भिखारी के पास? सिर्फ दो ही ऑप्शन है देखा जाए तो, या तो वो भीख मांग ले जो वो ऑलरेडी करने लग रहा है,
या फिर वो कुछ भी ना करे और भूखा मर जाए। अब क्या आप कहोगे कि उसके पास आजादी है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनने की, या तो भूखा मरने की आजादी है या फिर भीख मांगने की आजादी है। ऐसे केस में आजादी शब्द का प्रयोग करना भी एक मजाक लगता है, क्योंकि उस भिखारी के पास कोई इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। और आप शायद सोचोगे कि ऐसा असलियत में कौन इंसान होता है, तो पिछले ही साल दोस्तों नीति आयोग ने डेटा रिलीज किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर। तीन ब्रॉड डायमेंशंस हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अकाउंट में लिया जाता है, और इसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बिहार में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लेवल है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद झारखंड में 42% करीब, उत्तर प्रदेश में 37% जनता। इतने कम पैसे कमाने का मतलब है कि खाना भी बेयरली अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग। ऐसे केस में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उनसे कि वो किसी भी टाइप का काम धंधा ढूंढ पाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इमेजिनरी सिचुएशन में बहुत से लोग ये सुनकर तंग हो जाएंगे और सीधा जवाब देंगे, भाई तू निकल यहां से, बाढ़ में जा, मुझे क्या करना, सबकी अपनी किस्मत होती है, तेरी भी ये किस्मत है, तेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, मैं चलता हूँ यहाँ से। लेकिन अब वो भिखारी आपको पकड़ लेता है, ऐसा नहीं साहब कुछ करो, मेरा कोई नौकरी लगवा दो, कोई तो काम शुरू करवा दो, सरकार से कुछ करवा दो, मैं भी चाहता हूँ अच्छे से जिंदा रह सकूँ, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी इतना तो मेरा भी अधिकार है। आप मेरे देशवासी हो, आपने मेरे को आज़ादी दिवस पर बधाई दी, आपको करवाना पड़ेगा कुछ मेरे लिए। वो यहाँ आपसे डिमांड कर रहा है अपने राइट। अच्छा, अब उस भिखारी को आप कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा तेरा, सरकार कुछ ना कुछ स्कीम लेकर आती रहती है। अभी कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हर किसी को घर मिल जाएगा, हर घर में सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी। और उसके अलावा अभी 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई है, जो एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है, वहां से जाकर अपना राशन ले ले। वो भी आपसे कहता है कि साहब इसी उम्मीद में हम बैठे हैं कि कब हमारा घर मिलेगा, हमें कब घर में सब कुछ होगा। वादे तो ये नेता लोग हर कोई करते हैं, लेकिन उनकी बातों से लगता नहीं कि उन्हें कभी भी निभाएंगे। जिस राशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, अभी एक नेता ने हाल ही में खड़े होकर कहा था कि प्रधानमंत्री ने फ्री फंड का खाना दिया है 80 करोड़ लोगों को, और जनता को उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई पैसा दे रहे हैं क्या हम लोगों को? क्यों इस तरीके से हमें इंसल्ट किया जा रहा है? ऊपर से जब भी कोई बाकी शिक्षा बिजली पानी जैसी फ्री चीजें देने की बात करी जाती है, तो चार और नेता खड़े होकर उसके खिलाफ बोल देते हैं, कहते हैं ये क्या फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? आप बोलोगे भाई भिखारी होकर तू सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, ये क्या मजाक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इमेजिनरी कहानी एक सीरियस मूड ले लेती है। ये भिखारी आपसे कहता है सर इस तरीके से बात मत करो, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं फालतू में फ्री का खाना नहीं खा रहा हूं यहां पर। एक समय पर मैं भी नौकरी किया करता था, 14-14 घंटे धूप में लेबर की नौकरी करता था मैं, और उस नौकरी के बदले मुझे मिनिमम वेज तक नहीं मिलती थी, बस इतनी कमाई होती थी दिन की कि बेयरली मैं अपना खाना खा पाता था, अपने परिवार का पेट भर पाता था। इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ इतना ही मिलेगा तो कहां से मैं अपने बच्चों की शिक्षा अफोर्ड कर पाऊंगा सर? कहां से मेरे पास पैसे होंगे बिजली का बिल देने के लिए, जब GST इतना बढ़ रहा है आजकल इन्फ्लेशन में, वैसे भी कहां मेरे को गुजारा चल पाएगा? ये आपसे कहता है साहब आपने अच्छा किया सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दी मेरे साथ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब से मैं चोरी करूंगा। ये सुनकर आप हैरान हो जाते हो, भाई ये क्या कह रहा है तू, चोरी करना गलत चीज है और भगवान तेरे को छोड़ेगा नहीं। सर भगवान को तो मेरी वैसे भी फिक्र नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे इस हालत में छोड़ा है कि मैं भूखा मरा पड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन भगवान की छोड़, यहाँ पर कानून है देश में, लॉ उसे फॉरबिड करता है, तू पकड़ा जाएगा और अरेस्ट हो जाएगा। सर कौन सा कानून, कैसा कानून, किसने बनाया, किसके लिए बनाया, नहीं डरता मैं, जेल हो जाएगी सर, लेकिन वो अभी की सिचुएशन से तो बेटर ही होगा, जेल में कम से कम ढंग का खाना मिल जाएगा। सर जब से आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, अब मेरे को इंस्पिरेशन मिल गई है कि मैं चोरी करके अपना खाना लूंगा। ये सुनकर आपको थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्या होगा अगर ये भिखारी और भिखारियों के साथ एक गैंग बना ले, इनके पास कहीं से कोई लोकल पिस्टल आ जाए और किसी दिन आपके आसपास के पड़ोसी पर या आपके परिवार में से किसी पर ये लोग हमला कर दे, कहीं डाका डाल दे, कहीं चोरी करने लग जाए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। अगर आप इसे कहते हो कि तू चोरी मत कर, ये आपसे पूछेगा ठीक है सर मान लो मैं आपकी बात सुन लेता हूँ और चोरी नहीं करता, लेकिन आपकी बात सुनने के बदले मुझे क्या मिलेगा? आपने मुझे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे थोड़ी सी बेसिक आज़ादी तो दे दो। और जब आप इसे कहते हो कि चलो मैं बदले में कोई सरकार की तरफ से कोई ना कोई स्कीम जरूर दिलवाऊंगा तुम्हें, तो इसके और आपके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप उसके लिए बेसिक फैसिलिटीज इंश्योर कर रहे हो, करवाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ से वो आपके लिए सेफ्टी इंश्योर कर रहा है कि वो चोरी नहीं करेगा, यहाँ पर एक क्रिमिनल नहीं बनेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से इन विचारों की शुरुआत हुई थी। जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बड़े थिंकर्स थे, जैसे कि रूसो, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन्होंने फाउंडेशन ले करी थी डेमोक्रेसी और लिबर्टी जैसे शब्दों की।
अब रूसो का कहना था कि जनता का सरकार के साथ भी ऐसा ही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, म्यूचुअल प्रिजर्वेशन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सरकार आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज इंश्योर करे ताकि आप जिंदा रह पाए, एक अच्छी जिंदगी जी पाए, और इन रिटर्न आप सरकार का सर्वाइवल इंश्योर करें कि सरकार यहाँ पर बनी रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी। रूसो का ये भी कहना था कि लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज नॉट लिबर्टी एट ऑल, यानी बिना इक्वालिटी के लोग सही मायनों में आजाद हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास एक जितने पैसे हों, इक्वालिटी का मतलब ये है कि लोग कानून के सामने एक बराबर हों, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। अगर कोई भिखारी यहाँ पर अपना पकोड़े का स्टॉल लगाना चाहता है तो कम से कम उसके पास इतने पैसे तो हों कि वो अफोर्ड कर पाए यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये पकोड़े का स्टॉल लगाने के लिए। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा चाहता है कि वो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बने तो उसके परिवार के पास इतने तो पैसे हों कि वो अच्छी शिक्षा दे पाए अपने बच्चों को। मौका सबको मिलना चाहिए ऊपर उठने का, स्टार्टिंग लाइन इतनी सेम होनी चाहिए कि कम से कम कोई भी इंसान खाने के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, शिक्षा के लिए ना तड़प रहा हो। एक आम आदमी अपने सारे खर्चे करने के बाद कम से कम इतने पैसे बचे उनके पास कि वो अपने लिए एक जीने लायक जिंदगी अफोर्ड कर पाए। रूसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहते हैं कि कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरा उसे खरीद सके, और ना ही कोई बंदा इतना गरीब होना चाहिए कि उसको खुद को बेचना पड़े। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर भगत सिंह ने कहा था, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट एंड रेवोल्यूशन इज एन इनएलियनेबल राइट। एक्चुअली सिर्फ भगत सिंह ही नहीं बल्कि गांधी जी भी इस सोच को सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने लिखा था, अगर कभी आपको डाउट हो कि आप क्या एक्शन करने जा रहे हैं, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सोचकर देखिए आपके एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा देश के सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों पर। इसके अलावा गांधी जी जब स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सेल्फ रूल नहीं था, उसका मतलब हर तरीके से आजादी था, भुखमरी से भी आजादी था। वो भिखारी आपसे कहता है, जब समाज को कोई मेरी चिंता ही नहीं है, ना ही सरकार को मेरे से कोई मतलब है, तो मैं क्यों एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनूं? और ये एक ऐसा सेंटिमेंट है दोस्तों जो नेचुरली लोगों के अंदर जाग सकता है, उन्हें कोई भगत सिंह या रूसो की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों हमें जन्म होता हुआ दिखता है रेबेलियंस का, चोरों का, डकैतियों का। क्राइम समाज में बढ़ जाता है क्योंकि जब इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है समाज में तो बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं प्रॉफिट के लिए क्राइम्स करने को। इस भिखारी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके केस में या तो भीख मांगो या मरो, या फिर तीसरा ऑप्शन चोरी करने लग जाओ। यही कारण होता है छोटी मोटी करप्शन के पीछे भी। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम्पल ले लो, जो पूरे दिन गर्मी में और पोल्यूशन में सड़क पर खड़ा रहता है, ओवरवर्क्ड है, अंडर पेड है, ढंग से सैलरी नहीं दी जाती उसे, और फिर उसे अखबारों में दिखता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के स्कैम होने लग रहे हैं, यहाँ पे अरबपतियों को इतने करोड़ के बैंक लोन्स दिए जा रहे हैं और वो वापस भी नहीं चुका रहे उन्हें। इसके मन में नेचुरली सेंटिमेंट जागेगा कि यहाँ पर लाखों करोड़ों के एनपीएस हैं और मेरी हालत ऐसी है, मैं यहाँ सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, क्या गलत है अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए की रिश्वत ले लूंगा तो। फिर अगली बार ये किसी को पकड़ता है ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए, चालान काटने की जगह यहाँ पर रिश्वत ले लेता है, और जिसने वो ट्रैफिक रूल तोड़ा है वो एक्चुअली में बाकी समाज के लिए खतरा बन जाता है। तो पॉइंट ये है दोस्तों, अगर एक सोसाइटी में हम दूसरों की लिबर्टी की, दूसरों की आज़ादी की चिंता नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक भयंकर जाल बन जाता है, समाज में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगी। और आज़ादी से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी की भी बात करी जा रही है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे आप इस चीज़ का, तो जो नॉर्डिक देश हैं जैसे कि आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देश हैं, वहाँ पर कभी भी आपको ये छोटे मोटे क्राइम्स होते हुए नहीं दिखेंगे। आइसलैंड जैसे देशों में तो दोस्तों अगर आप अपना वॉलेट भी कहीं रखकर भूल जाते हो ना तो लोग चुराते नहीं हैं उससे, वो आपको ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आपका वॉलेट आप तक वापस पहुंचा देते हैं। क्या कारण है कि इन देशों में क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है? क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट हर एक इंसान को एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला हुआ है, हर किसी के पास एक घर है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे कपड़े हैं पहनने को, अच्छे से खाना मिल जाता है उन्हें, अच्छी नौकरी है। ऐसे केस में किसी को जरूरत ही नहीं है कोई गलत काम करने की, और हर कोई खुश भी है, इसलिए कोई छोटी मोटी करप्शन करने का भी कारण नहीं बचता। अब यहां पर बात सिर्फ इकोनॉमिक लिबर्टी की नहीं है बल्कि सोशल लिबर्टी की भी है। इंडिया में 2022 में हमें कितनी खबरें देखने को मिलती हैं जहां पर एक दलित इंसान को मार दिया गया, दंडों से मारा गया, पीटा गया क्योंकि वो घोड़े पर बैठ गया, क्योंकि किसी जगह से पानी पी लिया उसने, किसी कुएं से, किसी मंदिर में चला गया, ऐसी कितनी सारी आपको न्यूज़ मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो। सिमिलरली लड़कियों के लिए भी ऐसा ही है,
जेंडर के मामले में भी डिस्क्रिमिनेशन है, लिबर्टी नहीं है। पिछले साल नवंबर में ही उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत ने जीन्स को बैन किया, मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया लड़कियों के लिए। अब कपड़ों की चॉइस आपको लगेगा कि एक हायर अप मैटर है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये भी एक लिबर्टी का जरिया है। अगर किसी भी तरीके की लिबर्टी या आजादी लोगों से छीनी जाएगी तो लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा आएगी और समाज में डिससैटिस्फैक्शन का नतीजा हमने ऑलरेडी देखा क्या होता है। अब इमेजिन करो अगर 5,000 औरतें इसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क को ऑक्यूपाई करके बैठ जाती हैं और डिमांड करती हैं कि उन्हें उनकी लिबर्टी वापस दी जाए, या फिर मान लो कुछ हजार दलित लोग बैठ गए सड़क पर इन क्राइम्स के अगेंस्ट, या फिर किसान लोग बैठ गए सड़क ब्लॉक करके कि हमें अपनी आज़ादी वापस चाहिए। एक्चुअली में इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। CAA NRC के प्रोटेस्ट को ले लो, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ले लो और जब वो फीस हाइक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की बात कर लो। और ऐसे प्रोटेस्ट को देखकर आप अगर कहोगे कि भाई क्या है, मुझे नहीं पता तुम लोगों का इशू क्या है और फ्रेंकली आई डोंट केयर, लेकिन प्लीज ये सड़क खाली करो, यहाँ से सड़क खाली करो क्योंकि मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा है। अगर आपको सिर्फ अपने इनकन्वीनियंस की पड़ी है तो आपने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, क्योंकि आपको उनके इशू की कोई परवाह नहीं है, उनकी लिबर्टी की कोई परवाह नहीं है और इसका एंड रिजल्ट आपको अपनी लाइफ पर वैसे भी दिखेगा ही दिखेगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि आप आज़ादी शब्द का मतलब समझ पाएं और आप समझ पाएं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, पंडित नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या एनविजन किया था, उनकी मायने में आज़ादी का मतलब क्या था। और ये जो आज़ादी है इसे पाने तक का सफर अभी काफ़ी लंबा है। आप अपनी तरफ से देश को और आज़ाद बनाने की कोशिश कर सकते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों की लिबर्टी की चिंता करेंगे, समाज में इक्वालिटी की चिंता करेंगे। ऐसा करने से ही देश सही मायनों में एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।